क्या खींच के निकालने बाल मेरे? ओ वीक नहीं है, बाल है मेरे असली। अरे ये मालिश में ऐसा ही सब होता है। आखिरी आखिरी बार, एक दो अरे तीन, एक बार, एक दो तीन। बस टच्चा का फूट गया। सब तेल वाले हाथ से किया, सब तेल तेल लग गया इधर गाल पे दया। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप मुंह धो लीजिए, फिर यहाँ शांति से सो जाइए। दोनों गाल तेल तेल कर दिया दया ने। फिर हो रहे यही मैं तुझे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ये सुंदर ने कैसा तेल भेजा है? थोड़ा सा पानी लगा तो झाग झाग हो गया सर में। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग किस्म का आयुर्वेदिक तेल है जिसमें झाग होता होगा। अरे डफोड़, दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जिसको पानी लगाने से झाग होता है। क्या बोल रही है? सुंदर ने भेजा तो नया टाइप का आयुर्वेदिक तेल है जिसमें झाग होता है। कुछ भी बोल रही है तू दया। अरे क्या हुआ जेठ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने फॉर्म के कैप पहन लिया। ए भाई ये सब क्या है, हैं? ये सर पे झाग लेके क्यों घूम रहा है? अरे बापू जी, सुंदर ने अहमदाबाद से पार्सल नहीं भेजा आयुर्वेदिक चीजों का, हाँ तो उसमें से ये दया ने तेल की मालिश मेरे सर में की। अभी पता नहीं किस टाइप का तेल है, मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था झाग झाग हो गया। ए बाबू चक, तेल लगाने से कभी झाग नहीं होता। सुन सुन सुन, मैंने भी इसको यही कहा बापूजी का, दुनिया में ऐसा कोई तेल नहीं है जिसको पानी लगने से झाग होता है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। ये सुंदर की पिपड़ी बजा रही है, उसका भाई ने बेचा तो नहीं? अच्छा बोल रही है नया टाइप का कोई आयुर्वेदिक तेल लोग। एक मिनट, लगता है सुंदर ने एक्सपायरी डेट का माल भेज दिया। मतलब गलती से शायद भेज दिया होगा। टपो वो देखो बोतल उधर है, जरा देख देख एक्सपायरी डेट देख उसके। नहीं बाबा, इसकी एक्सपायरी डेट 2013 की है। देखा? पर पापा ये तेल नहीं शैंपू है। अभी क्या दिखा? जब ये देखने का था तभी नहीं देखा है? मतलब तूने 15-20 मिनट तक मेरे सर में तेल की जगह पे शैंपू की मालिश की? सॉरी। अरे क्या सॉरी दया,
तुझे तेल और शैम्पू के बीच में का फर्क ही नहीं मालूम है क्या? सॉरी, ये शैम्पू और तेल की बोतल एक जैसी है, इसलिए लगता है शायद गड़बड़ हो गई होगी। गड़बड़ हो गई होगी होगी? अरे ये हो गई है, दिखता नहीं है तुझे? अभी भी बोल रही है शायद गड़बड़ हो गई होगी। बस कर, होता है कभी। अरे लेकिन बापूजी ये